है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक ही गेम प्ले रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और शायद से मेरे बैकग्राउंड से कुछ ज्यादा नॉइज आ सकता है, तो आज के लिए भाई एडजस्ट कर लेना। लेकिन आज का जो गेम प्ले होगा ना भाई, इसको एंड तक देखना और इसमें मजा आपको जरूर से आएगा। अभी के लिए इवेंट पर आया था, यहाँ पर मेरे को ऑटो गन मिलता नहीं है, सिर्फ एक SLR मिलता है, जिसमें से यहाँ पर दो तीन किल तो मैंने निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर ऊपर के साइड जो बंदा होता है, बहुत अच्छे एंगल बना के यहाँ पर मेरी पेटी बना देता है। अभी के लिए रिकॉल होने के बाद मैं कोचिंग की मैं आता हूँ, और यहाँ पर इतना सारे बंदा होता है ना, कम से कम यहाँ पर मेरे को 5 से 6 बंदा मिल जाता है। और ये वाला मैच में ना दो बंदे के साथ बहुत तगड़ा फाइट होने वाला, जिसमें से एक बंदा बहुत बड़ा गलती करता है, और वो गलती आपको रैंक पुश की टाइम करना नहीं, वो गलती क्या होता है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब मेरे सामने साइड एक बंदा होता है, जिससे फायर लेने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को राइट साइड ए वाला बंदा दिख जाता है। अब ए वाला बंदे को मारने के बाद जैसे यहाँ पर सामने साइड आता ना, तभी यहाँ पर एक नहीं दो बंदे का फूट आता है। अब ये वाला भाई के पास ना शॉटगन होता है, इसने सोचा कि यहाँ पर नीचे उतारते मैं यहाँ पर शॉटगन चिपका दूंगा, लेकिन उतारने से पहले मैं पेटी बना देता हूँ। अब ये वाला भाई को जैसे ही मारता हूँ, तभी यहाँ पर सामने साइड से और एक बंदे का फूट आता है। अब यहाँ पर जो ट्रिक मैंने यूज किया ना भाई, आप भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही मैं नेट की पिन खींचता हूँ, तभी ऊपर वाले बंदे को लगा कि मेरे ऊपर नेट कर रहा है। अब जैसे ही उसको लगा कि यहाँ पर मेरे ऊपर नेट कर रहा है, इसलिए वो वाला बंदा ऊपर के साइड से जंप करता है। यहाँ पर पहले से मैं नेट कैंसिल करके रेडी होता हूँ, ये वाला बंदे को इजी पेटी बना देता हूँ। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं 7 बॉल जो होता ना वो कलेक्ट कर रहा था, तभी यहाँ पर मेरे को साउंड आता है कि यहाँ पर जो उड़ने वाला पावर होता ना, उसको यूज करके यहाँ पर मेरे साइड कोई आ रहा है। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब यहाँ पर कोचिंग के अंदर कोई भी होता ही नहीं, उसके बाद यहाँ पर गाड़ी लेके जैसे मैं स्कूल की साइड आता हूँ ना, तभी यहाँ पर सामने साइड मेरे को एक गाड़ी स्पॉट हो जाता है। अब शायद से ये वाला भाई मेरे से फाइट लेने के लिए रुकता है, लेकिन ये वाला भाई को बहुत गंदा यहाँ पर हेड पड़ता है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इसी मैच में ना दो बंदे के साथ बहुत तगड़ा फाइट भी होने वाला, जिसमें से एक बंदा गलती करता है। यहाँ पर ये जो बंदा गलती करता है ना भाई, आपको रैंक पुश के टाइम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर इस बंदे से मैं फाइट लेने के लिए आया था, लेकिन ये वाला बंदे को मेरे से फाइट लेना नहीं होता, इसलिए वाला बंदा पावर यूज करके ना दूसरे जगह चला जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास भी पावर होता है, लेकिन यहाँ पर जो बीन होता है, जो बॉडी सा होता है ना, जिसको खाने के बाद पावर यूज कर सकते हैं, तो वो था ही नहीं, इसलिए वाला बंदा यहाँ पर बच रहा था, लेकिन इसको मैं छोड़ने वाला था ही नहीं। अब जैसे ये वाला बंदे को मारने के लिए एक नेड करता हूँ ना, तभी ये वाला बंदा दोबारा पावर यूज करते हुए सामने चला गया था, लेकिन इस बार ये गलती नीचे आके कर देता है। अब ये बंदा जो गलती यहाँ पर किया ना भाई, आप लोग रैंक पुश के टाइम पे बिल्कुल भी मत करना। अगर फाइट नहीं लेना होगा ना भाई, किसी बंदे को टैप फायर करके या फायर करके बुलाना मत। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि दो बंदे के साथ फाइट होगा, जिसमें से यहाँ पर और एक फाइट होने वाला है। अब यहाँ पर गाड़ी लेके मैं बंदा ढूंढने जाता था, तभी सामने साइड मेरे को एक गाड़ी भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर पहले से और एक बंदा होता है।
अब ये वाला बंदे को मार तो देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जिस बंदे को मैं पीछा कर रहा था ना, वो वाला बंदा सामने से जो बाना होता है ना, इसके अंदर जाके बैठ गया था। अब जैसे ये वाला बंदे का पोर्ट आता है ना, तो यहाँ पर मैं समझ गया था शायद ये वाला बंदा जीना के पास जाके यहाँ पर टीपी भी ले रहा है, इसलिए यहाँ पर पीछे की साइड आके एक नेड करता हूँ। अब शायद जो नेड मैंने किया था ना, उससे ये वाला बंदा डैमेज हो गया था। डैमेज होने के बाद इतना ज्यादा पैनिक हो जाता ना भाई, सोलो में आप लोगों को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। अब जैसे ये वाला बंदे को मारता हूँ ना, तभी यहाँ पर बाहर के साइड से मेरे को एक गाड़ी का साउंड आता है। ये वाला बंदे के साथ जो मेरी फाइट होगा ना भाई, ये वाला फाइट को देखो। अब जैसे ये वाला बंदा मेरे को डैमेज देता है ना, मैं तुरंत यहाँ पर पावर यूज करके यहाँ से निकल तो गया था, लेकिन दोबारा ये वाला बंदे से मैं फाइट लेने के लिए भी आऊंगा। अब शायद से ये वाला बंदे का हेडफोन ठीक से यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सामने साइड जो बंदा था ना, उससे यहाँ पर मैं दोबारा फाइट लेने जाता हूँ। अब इस बंदे के साथ बहुत अच्छा फाइट तो हुआ। अगर ये वाला फाइट अच्छा लगा ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब यहाँ पर ज्यादा बंदा बच ही नहीं रहा था, सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था, जो कि यहाँ पर सामने साइड मेरे को मिल जाता है। अब ये वाला जो गाड़ी होता है ना भाई, ये वाला गाड़ी का जो फायदा है ना, अगर किसी बंदे के ऊपर रश करने के लिए जाओगे ना, जो अगर सामने साइड से कोई बंदा स्प्रे लेता है ना, तो भाई डैमेज बिल्कुल भी पड़ेगा ही नहीं। अब ये वाला बंदा मारने के लिए स्प्रे तो लिया था, लेकिन डैमेज होता ही नहीं। ये वाला बंदे को मार के यहाँ पर 19 किल के साथ मैंने चिकन ले लिया था। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।